गर्भ में रहो और नींद भरी सोयो री माया भैया चंद्र सोच रहे अरे पूरा करे परमेश्वर सोच रहे भैया बाहर बेदहता दादा अरे काट जाए मरघट मेरे डाली अरे काट जाए मरघट मेरे डाली दादा होना भैया हरिचंद्र सोच रहे मैं कहां राजा आज कहां मैं मेहतर घर में हुक्म चला रहे हैं हुक्म मेरे ऊपर चल रहा है आज मेरे भैया मैं खुद लोगों के ऊपर चलाते थे पर एक समय बदल गया एक समय की बात है अब उधर ध्यान दीजिए तारा की तरफ एकादशी का दिन था महाराज हरिचंद्र उधर मरघट में है इधर तारा से कहा है ब्राह्मण देव ने आज एकादशी का दिन है तुम्हारा पुत्र हमेशा खेलता रहता है अगर आ जाए तो कह देना बगीचा चला जाए फूल लेके आए ऐसे ही पुत्र आया रोहितास मैया ने छपरिया दे दी छपरिया दी है जवाब दिया बेटा ब्राह्मण देव ने कहा एकादशी का दिन है अच्छे अच्छे फूल तोड़ के लाओ बगीचा से पुत्र जैसे ही चला पुत्र जैसे ही पहुंचा मेरे भगवत श्रोताओं विश्वामित्र पहुंच गए बहुत सुंदर जो पुष्प था उसमें नाग बनकर के बैठ गए जैसे ही पुत्र ने आगे को हाथ बढ़ाया तो आगे उन्हीं अंगुली में डस लिया अंगुली में जैसे ही डसा है तो वो ही विश्वामित्र आकर के काशी नगरिया में आवाज लगा दियो काशी के लोगों कुल
आज मेरे भैया वो माँ माँ के कानों में आवाज पड़ी, मेरे भैया छाती फट गई, मेरा ही पुत्र गया, अब क्या होगा। ब्राह्मण देव के पास में पहुंची, भाग करके दोनों हाथ जोड़े, हमारे पुत्र को नाग ने डस लिया, कहा मैं चली जाऊं, नहीं भोजन बन गया नहीं बना, ठाकुर जी का भोग लग गया नहीं लगा, जा भोजन बना ठाकुर जी का भोग लगा तब जा, अगर मर जाए तब फेंकाना हमारे घर घर का नहीं, खानदान का नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अरे सर मैया ने भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया, मैया बगीचा में पहुंची, दादा पुत्र को ढूंढ रही है, और जैसे ही पुत्र पुत्र के पास में मैया पहुंची, तब तक पुत्र के झार मुंह से गिर रही थी। मैया ने जैसे ही देखा पुत्र को तो मैया की छाती फट गई, पछाड़ खा करके गिर गई,